नमस्कार, मैं आज आपको घर में जैसे मैं मालपुए बनाती हूँ वैसे बताने जा रही हूँ। बड़ा सिंपल है, कभी मना है तो अपने घर की चीज़ों से ही हम बना सकते हैं। इसमें मैंने मैदा लिया है, ये मैदा है, ये इलायची पाउडर है, ये बादाम फ्लेक्स है गार्निशिंग के लिए, ये चीनी है चाशनी के लिए, ये दूध है इसका आटा बनाने के लिए। इसमें मैं दो कड़छी, मैंने मैदा लिया है तो दो ही कड़छी में मिल्क पाउडर लूँगी, ये घी है और ये रबड़ी है इसकी गार्निशिंग के लिए। ये चाशनी में के लिए चीनी इसमें डाल रही हूँ पानी में। मैं इसमें मिल्क पाउडर मिला रही हूँ दो कड़छी 2 टेबल स्पून मैदे में, और इसको मैं दूध से मिक्स कर लेती हूँ। पहले ऐसे मिक्स कर लिया ताकि गांठे नहीं बने सूखे कोई, और इसमें चाशनी में भी एक चुटकी इलायची डालूंगी, इसमें भी डाल ली। अब इसको दूध से बना, मैंने दोनों को मिल्क पाउडर और मैदा दूध से घोल लिया है, इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसमें मैं घी लगा के अच्छी तरह डाल के और इसका छोटे छोटे चीले जैसे बना लेती। छोटे छोटे इसके बना लीजिए। तैयार है। अब मैं इसको चाशनी में डिप कर लेती हूँ। ज्यादा देर डिप करके इसलिए नहीं छोड़ती हूँ, एक ताकि चाशनी ले ली कि फिर बहुत मीठा हो जाएगा और ये पानी इसका चाशनी एब्जॉर्ब करके बहुत मोटा हो जाएगा, इसकी क्रिस्पीनेस खत्म हो जाएगी। अब हम इसको रबड़ी से डेकोरेट कर लेते हैं, और ये रबड़ी से डेकोरेट कर लीजिए, थोड़ा इस पर रबड़ी डाल लीजिए, और ये तैयार है। और बादाम से इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। ये अब बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, खाइए और घर वालों को खिलाइए। अब मैं अगली रेसिपी के साथ फिर आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।